पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को भी बागेश्वर में कोरोना की रफ्तार थोड़ा धीमी होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को 101 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, साथ ही इलाज करा रहे 157 लोग ठीक भी हुए हैं, उन्हें डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि जांच के लिए 1738 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 101 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब कुल 973 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 81 का उपचार कोविड केयर सेंटरों में किया जा रहा है, जबकि 892 को घर में ही आइसोलेट किया गया है। 157 स्वस्थ हो चुके मरीजों को मंगलवार को डिस्चार्ज भी किया गया है। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने महामारी की रोकथाम को लेकर सीएमओ कार्यालय बिलोना में अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने आवश्यक दवाओं सहित अन्य उपकरणों की उपलब्धता की भी जांच की। डीएम ने कौसानी में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए एक होटल को अधिग्रहित करने के निर्देश दिए, साथ ही डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में 200 बेड का अस्पताल बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, आज हमने मेनली जो लॉजिस्टिक्स की हमारी टीम है, आज उन टीम को अपने बुलाया था, और जो हमारे ऑक्सीजन के जो नोडल हैं और बाकी जो हमारे सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, इनको आज हमने बुलाया था। और आज हमारी यही चर्चा हुई कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल किट, जो हमारे जितने भी हमारी सैंपलिंग हो रही है, और जिस तरीके से डायरेक्शन हमें दिए गए हैं कि जो हमारे जिनमें सिम्टम्स है और जिनमें सिम्टम्स नहीं है, उन सबको ही मेडिकल किट हमें प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए लगभग 1000 हमारे, क्योंकि लोग जो है टेस्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, तो 1000 को हमें किट देने के लिए व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए जो मेडिकल की क्या यहाँ पे डिमांड हमारी आने वाले अगले 30 दिन में रहेगी, तो आज हमने उसका एक मोटा मोटा ये एस्टिमेट किया है, और यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारी मेडिकल की जो प्रोक्योरमेंट की जाना है, वो हमारी जो लॉजिस्टिक सेक्शन के जो चीफ हैं हमारे मेडिको साहब, इनके द्वारा जो है इसकी पूरी तैयारी कर ली जाए, और जो ऑर्डर हमें जो प्लेस करने हैं वो जल्द से जल्द हम ऑर्डर प्लेस कर दें, जिससे हमारे पास मेडिसिन की कोई शॉर्टेज ना पड़े। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी हमारे यहाँ पे चर्चा हुई है, और इसमें रिसेंटली हमारे पास काफी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स हमें, जो 150 जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स है वो हमें हरिद्वार से मिले हैं, और इसके अलावा 25 जो हमारे बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो भी हमें नैनीताल से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भी हमारी और भी काफी जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, उनसे लगातार इसमें वार्ता की जा रही है, और अभी हमने 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स और जल्दी हमें बागेश्वर में कल, पॉसिबली कल हमें जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी आज हम लोग एक ऑर्डर 100 ऑक्सीजन जम्बो सिलेंडर्स का भी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारी फाइल, मैंने डायरेक्शन दिए कि आज शाम तक इसकी फाइल पुटअप कर दी जाए, जिसकी स्वीकृति दी जा सके और टाइमली जो है जो ऑर्डर हमें देना है वो ऑर्डर हम दे सके। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी चर्चा हुई है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो डायरेक्शन स्टेट की तरफ से आए हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जिले में अभी लगभग 2000 किट्स हैं, तो उससे हम लोग अगले 5-6 दिन हम लोग टेस्टिंग कर पाएंगे, लेकिन इसमें अगले 1 महीने या 2 महीने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 30 से 50 हजार रैपिड एंटीजन किट्स की हमें आवश्यकता होगी, तो उसका भी हम लोग जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सीएचसी हैं, जो हमारा बैजनाथ में सीएचसी है और हमारा जो कपकोट में सीएचसी है, जिनकी कैपेसिटी 30-30 बेड की है, तो उनको भी हम लोग कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करें, तो मेरी जिनको मैंने डायरेक्शन दे दी है कि वो एक बार पूरा इसका जाके इंस्पेक्शन कर ले, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको पूरा करके जल्द से जल्द वो हमारे कोविड केयर सेंटर्स को शुरू करें। और इसके अलावा जो कौसानी में हमारे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है कि वो गांव में जब जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी संक्रमण फैलने का भय बना रहता है, तो अब उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि कौसानी में भी हम लोग एक होटल जो है उसका अधिग्रहण करेंगे और उसको कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करके जो भी हमारे पॉजिटिव वहाँ पे जिनकी टेस्टिंग में जो पॉजिटिव आएंगे वो उनको हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।